हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो साथियों, अभी GDC की एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, हम देखते हैं, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है 18 तारीख को, यानी कल की डेट में, GDCE नोटिफिकेशन नंबर 1/2023, और इसकी डेट ऑफ पब्लिश 18/7/2023। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है। इसके बाद ओपनिंग डेट और टाइमिंग ऑनलाइन 22 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और क्लोजिंग डेट 21/8/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए, आप ये सब आपका कंप्यूटर से ऑनलाइन सभी कुछ होना है। आपका ALP टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर GDC कोटा के पर वैकेंसी ये निकली हुई है। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधा SCR GDC SCR अपने उसमें ब्राउजर में लिखेंगे तो यह फॉर्म आ जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो इसमें देखिए, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट लोको पायलट की 820 जगह, और इसके बाद टेक्नीशियन 3 और ट्रेन लाइट TRD TRS, ये सब जगह सिग्नल इनके जो टेक्नीशियन की है, और इसी के सामने इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो मैट्रिकुलेशन प्लस ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर फिटर में आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। यह सब आपको यानी कि इंटर पास प्लस आपके पास डिप्लोमा होगा, तभी आप असिस्टेंट लोको पायलट का आप इसमें भर पाएंगे। इसमें दो कई चीज़ें हैं, हम देखने हैं इसमें। इसी तरह का देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए ये पोस्ट है, और इसकी 3 पोस्टें निकली हैं इलेक्ट्रिकल में, और इसमें 3 ईयर डिप्लोमा, यानी इसमें 3 ईयर JEE के लिए, जो जूनियर इंजीनियर के लिए 3 पास का डिप्लोमा आवश्यक ही है, तभी आप इसको भर पाएंगे। CNW वगैरह में यहाँ पर टोटल 64 वैकेंसियाँ आपकी JEE की निकली हुई हैं, और आप देख पा रहे हैं इसमें, और कुल मिलाकर जो ये 952 वैकेंसी आपकी निकली है, जो ग्रेड 3 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन को मिलाकर। तो इसके बाद इसमें एक इस भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है, जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी, और हम सब लोग भी यह सब समझ रहे थे कि ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पैराग्राफ नंबर यानी लाइन नंबर 2.8 और 2.9 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है आर रेगुलर एम्प्लॉय, ये देखिए, आल रेगुलर एम्प्लॉय एंड कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर सर्विस इन रिक्वायरमेंट ग्रेड और सक्सेसफुल कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि ये उन रेगुलर एम्प्लॉय इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो 2 साल अपनी सर्विस पूरी कर चुके हों, जबकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें ऐसा नहीं था। जो कर्मचारी तुरंत भर्ती हुए हैं 10 महीने पहले, 15 महीने पहले या 1-2 महीने पहले, उन्होंने भी फॉर्म भरा था। तो इसमें भी देखिए यही भी बात लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं, GDC JEE के लिए और नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी के लिए, और कैटेगरी पोस्ट वेल एज सेफ्टी टू कैटेगरी एज पर सेक्शन। यह 2 साल की जो सर्विस रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है, क्या यह सही है क्या गलत है, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरीके से जो है यह फॉर्म निकाला गया है, और इसमें देखिए 2.10 में कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग। आप जिस प्रेजेंट पोस्ट में वर्किंग कर रहे हैं, आप प्रेजेंट उसी ग्रेड पे के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यह साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं, आप अगर इसमें पढ़ना चाहते हैं, एज लिमिट, आपकी एज लिमिट भी इसमें दी है 18 से 42 और 18 से 45 OBC के लिए, और SC ST के लिए 18 से 47, यह जो है एज लिमिट आपकी इसमें दिखा दी गई है। इसके बाद आपका एजुकेशन तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। और रिजर्वेशन जो जिस तरीके से मिलता है वह रिजर्वेशन मिलेगा, और इसके बाद आप सिर्फ ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। इसमें आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, मेरिट के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। यह सारी मैं पिछले वीडियो में यह सब बता चुका हूं, और यदि आप SC ST वगैरह से हैं तो उसका इसमें फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट में यह अपना बनवा कर अपलोड करें। यदि आपको इसमें कोई सवाल पूछना है, कोई आपका कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की, क्योंकि इसमें 21 पेज हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी बात मैंने बता दी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा,
यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।